स्वागत है आप सभी का सिविल साइट नॉलेज में। आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्टेयर कैसे बनाएं, सीढ़ी कैसे बनाएं, स्ट्रीट स्टेयर। अगर आई शेप स्टेयर आपको बनाना है, आपके पास कम जगह है और लंबाई ज़्यादा है और चौड़ाई कम है, तो इस कंडीशन में आप स्ट्रीट स्टेयर बना सकते हैं। इसका स्टेप कैलकुलेशन कैसे करते हैं, कितना लेंथ छोड़ें आप, कितना स्पेस छोड़ें ताकि ये स्ट्रेट स्टेयर बना सकते हैं कंफर्टेबल, ताकि चढ़ने में कोई परेशानी ना हो। ओके, तो चलिए इसके स्टेप के बारे में जान लेते हैं। देखिए ये स्टेयर है, तो इसका चौड़ाई आपको कितना होना चाहिए, तो कम से कम स्टेयर का चौड़ाई आपको 3 फीट रखना है। एटलीस्ट 2 पर्सन अप डाउन कर सके, ताकि आपको सामान भी कुछ ऊपर लिफ्ट करना है तो कोई परेशानी ना हो, तो आपको 3 फीट रखना है। और देखिए ये आपका ट्रेड है, इसका चौड़ाई कितना रखे ताकि स्टेबल, इस पे पैर रख कर आप ऊपर जाते हैं तो 10 इंच होना चाहिए, और इस एक स्टेप का हाइट आपको 6 इंच रखना चाहिए, ताकि चढ़ने में स्टेयर पे कोई परेशानी ना हो। ओके, तो देखिए ये जो स्ट्रेट स्टेयर है, इसमें कोई लैंडिंग प्रोवाइड नहीं किया गया है। अगर आप रेलिंग लगाना चाहते हैं, सेफ्टी ऑफ व्यू से रेलिंग लगाना बहुत ज़रूरी है, तो इसका रेलिंग का हाइट होना चाहिए 3 फीट। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब कभी भी आप स्टेयर बनाएं तो रेलिंग जरूर लगाएं। ओके, अब देखिए स्टेप कैलकुलेशन करने से पहले ये जान लेते हैं, ये आपका स्लैब हाइट है, ओके, छत का ऊंचाई है, तो आप कितना रख रहे हैं, और ये आपका वेट स्लैब है, ये स्टेयर है, इसका भी लेंथ आपको कैलकुलेट करना होता है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे पूरा डिटेल मैं बताऊंगा। ओके, अब आपको हॉरिजेंटल डिस्टेंस यानी कितना दूरी चाहिए, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, जहाँ से स्टेयर स्टार्ट हो रहा है और जहाँ ख़त्म हो रहा है, इसका दूरी आपको निकालना आना चाहिए। और ये स्लैब हाइट 10 फीट रखें, 11 फीट। चलिए हम आपको कैलकुलेशन बताते हैं। देखिए स्टेयर का डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे कि कितने एरिया में स्टेयर बन पाएगा, ये आपका सेक्शन हो गया और ये प्लान हो गया, तो कितना लंबाई चाहिए, कितना चौड़ाई चाहिए जिसमें आप स्टेयर बना सकते हैं स्टैंडर्ड साइज, जो कि चढ़ने में परेशानी ना हो। ओके, तो देखिए स्टेयर यहाँ से स्टार्ट होगा, पहला स्टेप ये है, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, तो कितना स्टेप बनेगा यही हम कैलकुलेट करेंगे, और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा कितना होगा, और इसका हाइट आपको स्लैब का हाइट रखना पड़ेगा। स्लैब हाइट जो है आपको कंसिडर करना है कितना फीट आप रख रहे हैं, तो मैं आपको 10 फीट पे बता रहा हूँ कि 10 फीट स्लैब हाइट है। आप 11 फीट 12 फीट रखेंगे तो कैलकुलेशन करने का मेथड आपका सेम होता है, चाहे 11 फीट हो या 12 फीट हो, मेथड सेम होता है, आपको स्पेस ज़्यादा लगेगा। ओके, जब 10 फीट से ज़्यादा रखेंगे तो ये आपका लैंडिंग हो गया, ये स्लैब हो गया, 10 फीट पे बता रहे हैं। ओके, देखिए इसमें क्या होता है, एक स्टेप का जो हाइट है ये कितना रखना चाहिए स्टैंडर्ड, कम से कम, ताकि स्टेयर पे चढ़ने में परेशानी ना हो। ओके, तो इसको बोलते हैं राइजर, जिसको मैं आर से डिनोट कर रहा हूँ, और जिस पे आप पैर रखकर चढ़ते हैं यहाँ पे, इसको टेड बोलते हैं, मैं टी से डिनोट कर रहा हूँ। तो इसका चौड़ाई कितना रख होना चाहिए और राइजर का हाइट कितना होना चाहिए, ऊंचाई कितना होना चाहिए, इसी के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ ए आर निकालेंगे कि कितने स्टेप बन रहा है। ओके, तो देखिए मैं एक ट्रायंगल का फॉर्म बन रहा है, तो ये हाइट हो गया, ये आर को आपको कितना रखना है, 6 इंच। देखिए अगर आप रेसिडेंशियल बिल्डिंग बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, तो 6 इंच लगी। अगर पब्लिक प्लेस बिल्डिंग बना रहे हैं, जैसे कि आपका हॉस्पिटल हो गया या स्कूल हो गया, तो वहां आप 5 इंच रख सकते हैं, जहां पे अधिक पब्लिक की जरूरत होती है, जहां पब्लिक प्लेस है तो 5 इंच रख सकते हैं, और अधिक से अधिक 7 इंच रखेंगे, इससे ज्यादा रखते हैं तो आपको चढ़ने में परेशानी हो सकता है। ओके, ट्रेड मैं बात करूं जिसपे पैर रख के आप चढ़ते हैं, तो उसको आपको 10 इंच रखना चाहिए, कम से कम जो आप पैर रखते हैं स्टेबल होना चाहिए। तो ओके, तो ये आपको कितना 10 इंच होना चाहिए। ओके, जब पब्लिक प्लेस बना रहे हैं, पब्लिक प्लेस बिल्डिंग बना रहे हैं, हॉस्पिटल बना रहे हैं, कॉलेज बना रहे हैं, तो वहां पे 1 फीट आप रख सकते हैं, यानी कि 12 इंच रख सकते हैं। लेकिन रेसिडेंशियल बिल्डिंग में मैं रिकमेंड करूंगा आपका राइजर आपको 6 इंच रखना है और टेड आपको 10 इंच रखना है। इसके अकॉर्डिंग कितना आपको स्पेस होना चाहिए ये जानकारी होना चाहिए। देखिए ये आपका प्लान हो गया, स्टेयर यहां से स्टार्ट हो गया, तो यहां भी आपको जगह देना चाहिए,
ओके, तो जाके आप यहां से टर्न होके इधर जा सके, और ये लैंडिंग हो गया आपका, स्लैब का लैंडिंग हो गया। ओके, तो स्टीयर का चौड़ाई कितना रखना चाहिए? यहां से यहां तक चौड़ाई है आपको मिनिमम 3 फीट रखना चाहिए, एटलीस्ट दो पर्सन एक साथ आ जा सके तो 3 फीट रखिए कम से कम। इससे ज्यादा भी कर सकते हैं आप, 4 फीट भी रख सकते हैं अगर आपके पास जगह है तो। ओके, तो यहां से यहां तक डिस्टेंस निकालते हैं, तो कैसे निकालेंगे ये कैलकुलेशन करेंगे। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये नंबर ऑफ स्टेप निकालना होगा। तो टोटल हाइट में से अगर एक राइजर का हाइट को, एक स्टेप का जो हाइट बन रहा है उसे डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे, तो आपको नंबर ऑफ ए स्टेप निकल जाएगा कितने आर होंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ ए आर यानी कि नंबर ऑफ ए राइजर कितना राइजर होगा, तो स्लैब हाइट यानी कि छत की ऊंचाई जो भी है, और हाइट ऑफ ए राइजर यानी कि एक स्टेप की ऊंचाई, एक स्टेप की ऊंचाई आपका क्या ये हो गया, कितना रख रहे हैं। तो देखिए स्लैब हाइट क्या, छत की ऊंचाई कितना मैंने आपको बताया 10 फीट। ओके, और एक स्टेप की हाइट कितना मैंने बताया 6 इंच, यानी कि 6 इंच। तो देखिए ये फीट में है और ये इंच में है, एक यूनिट में होना चाहिए, तो आप याद कर लीजिए 1 फीट बराबर होता है 12 इंच। ओके, तो एक यूनिट बदल दीजिए, तो इसको हमने क्या किया इंच में बदल दिया, तो 12 से मल्टीप्लाई किया तो 120 इंच हो गया और ये 6 इंच। ओके, अब इसको भाग दे दीजिए तो ये आएगा 20 नंबर। तो देखिए यहां से यहां तक जाने में ये जो आर देख रहे हैं 1 2 3 4, तो ये आपका 20 नंबर बनेगा आर इक्वल टू। ओके, अब जिस पे आप पैर रख के चढ़ते हैं ये आपको ये कितना होगा, तो एक कम होता है R-1 होता है, R-1 T इक्वल टू होता है, याद रखिए, क्योंकि ये एक लैंडिंग में आ जाता है आपको, किस में आ जाता है, ये स्लैब का लैंडिंग में आ जाता है यहाँ पे। ओके, तो ध्यान से देखिए। ओके, तो देखिए आपका R-1 यहाँ पे, तो T इक्वल टू 20-1 19 नंबर। अब देखिए R इक्वल टू 20 नंबर रखेंगे और 6 इंच का रखेंगे, और T इक्वल टू 19 नंबर और इसका 10 इंच होगा, यानी कि एक स्टेप ये जो देख रहे हैं यही T है, इसी पे पैर रख आप चढ़ते हैं, तो इसको आपको 10 इंच रखना है। तो टोटल कितना T इक्वल टू है आपका 19 नंबर। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो T इक्वल टू क्या है आपका 19 नंबर, तो डिस्टेंस आपका हो जाएगा यानी दूरी कितना हो जाएगा, दूरी हो जाएगा 19 इंटू आपका 10 इंच है, तो 190 इंच। ओके, तो अब आपको क्या करना है, 190 इंच जो होगा उसको फीट में 12 से डिवाइड कर दीजिए, तो 12 से डिवाइड कीजिए तो आएगा 15.83 फीट, यानी कि इतना फीट होगा यानी 15 फुट 10 इंच। अब देखिए यहां से यहां तक आपका 15 फुट 10 इंच, जिसका सिर्फ स्टेप के लिए आपका यहां से यहां तक, ध्यान दीजिए मैं आपको बताया कि स्टेयर का चौड़ाई कितना रखना है 3 फीट रखना है यहां से यहां तक, लेकिन आपको टर्निंग होकर चढ़ना होगा, यानी कि स्पेस है, यानी कि हॉल मान लीजिए जाए, सपोज डेट ये आपका हॉल है। ओके, तो हॉल है तो आप स्टेयर यहां से स्टार्ट करेंगे मान लिया जाए, तो कैसे इस पे चढ़ेंगे, नहीं ना, तो इसके लिए आपको स्पेस छोड़ना पड़ेगा, ये वाला स्पेस छोड़ना पड़ेगा। ओके, तो यानी कि आप 3 फीट जगह छोड़ेंगे, आप फिर यहां से स्टार्ट करेंगे, यानी कि ये एरिया आपको छोड़ना पड़ेगा कम से कम 3 फीट, उसके बाद आपका 15 फुट 10 इंच, यानी कि 15 फुट ये 10 इंच आएगा। ओके, और फिर ये लैंडिंग आएगा, तो फिर आप कंटिन्यू बना सकते हैं स्टेयर, समझ रहे हैं ना, ये लैंडिंग हो गया, इसी तरह ये भी 3 फुट और ये भी 3 फुट, ये आप 3 फुट देंगे तो ये 18 फुट 10 इंच हो जाएगा, और फिर ये 3 फुट देंगे तो 21 फुट 10 इंच, यानी कि टोटल अगर आप इसके अकॉर्डिंग स्टेयर बनाना चाहते हैं तो टोटल आपके पास जगह होना चाहिए 15 फुट 10 इंच प्लस में 3 फुट यहां वाला प्लस में 3 फुट ये। ओके, तो ये आपका हो जाएगा 21 फुट 10 इंच आपको स्पेस होना चाहिए, और चौड़ाई कितना आपका 3 फुट होना चाहिए, तो इसका एरिया निकालना चाहते हैं कितना एरिया होना चाहिए, तो 21 फुट 10 इंच इंटू आपको 3 फीट कर लीजिए, तो ये देखिए इंच में है, तो इसको फुट में चेंज करके तब आपको मल्टीप्लाई कीजिए तो एरिया निकल जाएगा, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि इसका एरिया कितना आया। ओके, अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। अगर इसमें आप स्टील प्रोवाइड करना चाहते हैं, कितने mm का स्टील प्रोवाइड करें, जैसे ये देख रहे हैं स्टील यहाँ पे प्रोवाइड होता है, तो आपको 12 mm का मेन बार आपको स्टील प्रोवाइड करना चाहिए 6 इंच सेंटर टू सेंटर, और डिस्ट्रीब्यूशन बार, जिसे इस स्टील डिटेल में आपको बताऊंगा कि इस पे एक वीडियो बना हुआ है आप जाकर देख सकते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूशन बार होगा 8 mm डाया बार
और आपका 6 इंच सेंटर टू सेंटर ये भी, तो स्टील आपको इस तरह से प्रोवाइड करना है। इसके लिए एक वीडियो बना हुआ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। और मैं आपसे जाते जाते एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अभी तक आपने सिविल साइट नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, लाइक करना ना भूलें, शेयर करें। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, सिविल साइट नॉलेज से जुड़ना चाहते हैं, तो ज्वाइन जाकर कीजिए। ओके, टेलीग्राम का आपका चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां पे आपका इसका पीडीएफ मिल जाएगा, जो मैंने आप कैलकुलेशन किया आपको वो मिल जाएगा, टेलीग्राम से आकर देख सकते हैं। अगर आप सिविल साइट नॉलेज को हेल्प करना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं, तो ज्वाइन बटन पे जाकर इसका मेंबर बनिए। मिनिमम आपको चार्ज देकर मेंबर बन सकते हैं। ओके।